अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा की जिला कार्यकारिणी का गठन। आज 30 जनवरी 2020 भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय मोहम्मद अहमद दिया खान की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें संगठन के प्रति महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के उन्नाव जनपद की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसे बेबी जिला उपाध्यक्ष चंद्रभूषण यादव, जिला महासचिव कैलाश शंकर मौर्य, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार मौर्य, जिला महासचिव बरकत अली, जिला उपाध्यक्ष जगतपाल यादव, जिला महासचिव जग्गो देवी, कमला देवी, हसन तारा और शशि सिंह को जिला सचिव घोषित किया गया। साथ ही 2 दर्जन महिलाओं जिसमें माया देवी, बिटाना, कांति देवी, रामप्यारी, उमा देवी, राजेश्वरी, लक्ष्मी, छेदाना देवी, संतोषी और श्यामा को संगठन की सदस्यता ग्रहण कराई गई। मेरा नाम रजनी सिंह है और मैं भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हूँ। आज 30 जनवरी 2020 को यहाँ पर जिला कार्यकारिणी के पर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें बेबी जिला उपाध्यक्ष मीरा सिंह बरमौला से, जग्गो देवी शुक्लागंज से जिला सचिव, ये सब आदि पद आज मैंने यहाँ पर नियुक्त किया है। बड़े ये भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। भ्रष्टाचार के बारे में हम बस यही कहना चाहेंगे कि जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हमारा भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। और पहले हम अपने घर को मजबूत करेंगे, उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तैयारी से, पूरे जोरोदार से, पूरे जुनून से और रुतबे के साथ भ्रष्टाचार को मिटाने में पूरा सहयोग करेंगे, ताकि हमारे आगे जो माननीय डियर भाई हैं, मंजू मैडम हैं और जो भी हमारे सदस्य हैं, इनके हाथों को मजबूत बना सके और भ्रष्टाचार के खिलाफ ऊंची आवाज़ करके बात कर सके और भ्रष्टाचार को मिटा सके। मेरा नाम रतपाल सिंह है। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा संगठन में आप क्या हैं? मैं जिला प्रभारी आज ही नियुक्त किया गया हूँ और मैं ईमानदारी से भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा और संगठन को मजबूत करूंगा। जिस तरीके से देश के आजकल हालात चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हालात तो बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको हम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और संगठन मजबूत करना चाहते हैं, और तभी हम इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर पाएंगे।